उड़ गया भाई, उड़ भी गया। ओ मेरा लव यू उड़ गया यार, ओ मेरा लव यू उड़ गया भाई। 1 2 3 आपकी गाड़ी में परफ्यूम तो होता है ना, तो जब चल लगा ले। ऐसा सीन है कि व्लॉग जो है वो बर्थडे का व्लॉग है सुबह के। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अभी हम जा रहे हैं भाई केक लेने, तो चलते फटाफट से केक लेते हैं और उसके साथ हमें एक दो फ्रूट भी लेने। सो फरिया को हमने बोला था चलो मेरे साथ, और केक भी तो पकड़ना है, फ्रूट भी तो पकड़ना है। पकड़ने के लिए मुझे मतलब मजाक कर रहा हूं, मैं पकड़ लूंगा। चलते हैं केक लेते हैं। लीची है, लीची। अरे गाड़ी कहाँ पार्क करें? हाँ हो गई पार्क। जितने भी दिल है ना वो निकाल दे। ये तो बासिल के लिए है सारे। बेबी बॉस वाला? बेबी बॉस वाला नहीं ना, बड़ा होगा बासिल जब लेंगे ना। अपने लिए बोल रही हूं मैं। अबे तू बड़ी होगा, चल बच्ची बनी हुई है। सब उड़ सकता है भाई, ज्यादा और हवा हो गई तो। ओ उड़ गया भाई, उड़ भी गया। ओ मेरा लव यू उड़ गया यार, ओ मेरा लव यू उड़ गया भाई। गया बोला था ना उड़ सकता है। लव यू वाला गया तो बर्थडे वाला तो आ गया। किधर है, किधर है? और बिल्डिंग के पास गया वो गाइस, जहाँ मेरी उंगली है पूरा। अरे देख के तू ना उड़ जाएंगे साथ। भाग भाग भाग, चल चल अंदर कर। अरे अबे कहाँ, अबे ये तो बार बार ऊपर आ रहे हैं। केक की बारी आ रही है। केक व्हाइट केक लेना था या ब्लैक? सॉरी ब्राउन। व्हाइट फिर ये ले लें। हमने ये वाला केक फाइनल कर दिया, इस पे नाम लिखवाएंगे अब। हैप्पी बर्थडे सबा। थैंक यू भाई। टाइम 11:30 हो चुके, जल्दी से बस घर पहुंच जाए। लो चलो रच छड्डो। पराठे जो है ना सही बने, लेकिन मैंने ना मां से धनिया मंगाया था, मां ने धनिया नहीं लाया तो मैंने पुदीना डाल दिया। मैं भी मां को 3 दिन सपोर्ट करूंगी, मुझे शॉपिंग पे ले जाए। कह रहे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी नहीं जा रहा। बस इतनी सी बात, गर्मी है तो क्या हुआ। अरे सेवियर पे जाओ और क्रेव मार्ट है वहाँ पर ब्रांड, और दराज भी है तो वहाँ से जाके शॉपिंग करो और मंगवाओ धनिया और तुम कपड़े। ठंड मचाओ ठंड। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे गरम गरम पिज्जा खाना है। मैं बाहर नहीं जा रहा, इधर बहुत गर्मी है, बाहर कितनी गर्मी होगी। तुम दोनों के भी यही मसला। अरे सेवियर पे जाओ, पिज्जा मैक्स से ऑर्डर करो और यहाँ मंगवाओ घर पर। ठंड मचाओ ठंड। अब किधर भाई? अरे भाई शॉपिंग पे जा रहे हैं, गर्मी हो रही है, लेकिन फरिया जो है ना जिद कर रही है कि आप भी चलो, आप सब आ जाओ इधर आ जाओ। ठंड मचाओ, सेवियर पे जाओ, कैश बैक भी मिलेगा और ओरियन के ब्रांड से कपड़े वपड़े मंगाओ। आ जाओ। इनको तो बता दिया, अब है आपकी बारी। सेवियर जो है वो पाकिस्तान का फर्स्ट एंड ओनली कैश बैक ऐप है, जहाँ पर आपको हर शॉपिंग करने पे मिलता है कैश बैक। यहाँ पर हर कैटेगरी अवेलेबल है, जैसे कि फूड, फैशन, ब्यूटी, ग्रोसरी और इलेक्ट्रॉनिक्स। आप ऑनलाइन या इन स्टोर ब्रांड्स पर शॉप करें और हर ऑर्डर पर कमाएं कैशबैक। और जब आपका कैशबैक आपके सेवियर के वॉलेट में आ जाएगा, तो आप उसको विड्रॉ करा सकते हैं बैंक के थ्रू या ई वॉलेट के थ्रू। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है सेवियर का, जाके डाउनलोड करो और अपनी पहली परचेज के ऊपर 250 का बोनस पाओ, और साथ साथ हर परचेज पे आपको मिलेगा कैश बैक। आप तो ये बात बताना भूल गए, सेवियर पे अप टू 80% डिस्काउंट और 20% कैश बैक दिस समर। हाँ ऑन ब्रांड्स दराज, फूड पांडा, क्रेव मार्ट, ओरिएंट और पिज्जा मैक्स। तो टेंशन को दूर भगाओ, बस सेवियर से सब मंगवाओ, कैश बैक कमाओ और ठंड मचाओ। ठंड। पहुँच गए घर। आप केक और ये बलून पकड़ लेना। इनको बोल देता हूँ ये उठा लेंगे बलून यार, और मैं केक पकड़ लूँ। भाई उड़ाया तो नहीं एक भी? रुको, केक तो उधर रखते हैं। सबक है। I don't know, मैं तो आप साथ गई थी। अबे हाँ, लाओ। अबे तो फिर इधर भी उड़ के जा रहे, पंखे में ना जाए, पकड़। वो यहाँ पर सारी तैयारी हो रही है, बाबी और बाजी कर रही है, और ये देखो भाई पूरा थीम सजा दिया सबक के लिए। जैसी 12 बजेंगे फिर केक कटोगा यहाँ पर। अच्छा लग रहा है, बर्थडे शुरू होने में 20 मिनट बचे। ये रहा आज का सेटअप। हैप्पी बर्थडे 21st। अब सबको बुलाने की बारी है और सिर्फ 1 मिनट बचा है। कम ऑन, वो महाराजा भी सो रहे थे, उठ गए। चलो जी, 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, दिखा तो दो अब। हैप्पी बर्थडे डियर सब, हैप्पी बर्थडे टू यू। बाजी भाभी और बस थोड़ा बहुत सामान मैंने यहाँ केक में लिया, बाकी सजाया भाभी ने है और बाजी ने है, दोनों की मेहनत है। वेलकम। हाँ मुझे पता था ये मेहनत सिर्फ ये लोग ही कर सकते हैं। तो मैं कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। जाओ बर्थडे गर्ल आ गई। अरे भाई वाह, गिफ्ट फ्रॉम मां सफदर, ये लिखा हुआ है। भाई मम्मा ने क्या लिखा हुआ दिया? फ्रॉम मां सफदर। मम्मा ने अपनी बेटी की तरफ से गिफ्ट दिया है। मेरी तरफ से नहीं है।
अरे इसमें लिखा हुआ था ना, पहले से लिखा हुआ था, वही देख लिया। तो भाई मैंने तो अभी कोई गिफ्ट नहीं दिया, मेरा गिफ्ट आ रहा है समझ लो, बस आ रहा है मेरा गिफ्ट रस्ते में। मैं तो गिफ्ट लाऊं? हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है और उस पे लिखा हुआ आई लव यू, आई लव यू लिखा हुआ उस पे। अरे उस पे लिखा हुआ क्या है? क्या आ गया भाई? खाला आ गई वासिल की, दो तीन मिनट लेट हो गई खाला। अरे वाह भाई वाह, खुशी 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 मेरी और बाजी की तरफ से। अच्छा वाह भाई वाह, सब गिफ्ट मिलना शुरू हो गए। क्या बात है, क्या बात है, हवाएं दी जा रही है, क्या बात है, कुछ ज्यादा ही गर्मी है भाई। अबे टमाटर, अबे तू एक काम कर, तू पंप वाला बन जा, सबके टायरों में हवा भरी हो। मेरे टायर में हवा कम है, उसमें ही भर दो जाए, मुंह में भरू हवा। तुम फील करना कि हवा कहाँ से आ रही है, कान से तो नहीं आ रही हवा। अबे वो भर गई, ओ मुंह भर गई। क्या एक्टिंग है। हैप्पी बर्थडे बहना। सुबह केक वेक कटिंग हो गई भाई, दोनों केक कट चुके हैं और सबक की बहनें भी आ गई हैं और हम लोगों ने भी सेलिब्रेट कर लिया, तो खुश हो गई थोड़ा बहुत, वरना वो सैड थी कि यार उसको प्लान था जो हमारा वो जाने वाला, आपको पता है कल वाले व्लॉग में इतनी हमने बहस भी की, हम दोनों मियाँ बीवी ने वो यही बहस की कि भाई आप मेरे बर्थडे पे कुछ करते नहीं हो, करते नहीं हो। तो यही प्लान था मेरा कि हम दुबई जाते और आज के दिन को हम वहाँ सेलिब्रेट कर रहे होते अगर वीज़ा आया होता, बट नहीं आया तो हम घर में सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, बस मेरा समझो गिफ्ट पेंडिंग पर ही है, अफसोस। तो बस मिलते हैं आपको फिर, अब सुबह उठकर। शाबाश, एक जगह ताली बज रही है, एक जगह खिलाया जा रहा है और एक जगह यहाँ पर मैं नाश्ता कर रहा हूँ, वहाँ पर एटूडा बैठ गया। एटूड भाई ने व्लॉग में देख लिया कि मैं वहाँ बैठ के नाश्ता करता हूँ, अब ये पहले वहाँ बैठ गए। नाश्ता करते हैं भाई, फिर देखते हैं क्या प्लान है बार बार जाने का, क्योंकि अभी तक कोई डिसाइड नहीं है कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि बाहर मौसम जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बारिश हल्की हल्की शुरू हो चुकी है और दूसरा के तूफान तूफान आ रहा है, मतलब बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, कुछ इधर से उड़कर आ गया इधर से उड़कर आ गया। कल कोई सीन हुआ तुम बता रहे थे मुझे, बताओ वाला सीन। गाड़ी से करवाने गए था ना, तो वहाँ पर छत से एक ब्लॉक गिरा हवा से ही, और एक मजदूर के नीचे आके ना यहाँ पर पाँव पे गिर गया, पूरा पाँव उसका ये खाल लेके यूं उतर गया, तो पूरा पाँव बीच से कट गया, कटा नहीं खाल उतर गई, खाल उतर गई पूरा, अंदर से गोश और हड्डियां दिख रहा था, ऐसा ब्लॉक आके हवा की वजह से, हवा से ऊपर से ब्लॉक आया, गई मतलब सर बच गया उसका, सर बच गया मतलब सर से क्रॉस करते पाँव पे लगा, इधर सिर्फ पाँव पे आके गिर गया, उई और पाँव फट गया, पाँव पूरा फट गया, बाहर ऐसी हवा खतरनाक चल नहीं हुआ है। बस देखा भाई, तो कोई प्लान ही नहीं है फिर हमारे पास, इतिहास से निकलना पड़ेगा बाहर पे, यहीं ट्रीट करवा दो यार हमें, तो क्यों दे चुकी है मैं फ्री ट्रीट, क्या हो गया मतलब ट्रीट करवा दो, मतलब तुम्हें ट्रीट चाहिए क्या? बर्थडे जिसकी होती है वही तो ट्रीट देता है। रात में भैया ने मुझे बोला सबक कुछ खिलाओ तुम्हारी बर्थडे आने वाली है, अब मैं इनको ट्रीट दे चुकी हूँ, भले जितनी दे दी ट्रीट, दे दी भाई दे दी, नहीं नहीं दे दी। पापा भी आ गए, ये कह रहा है बाहर लेके चलो, हैं बस कह रहा है मौसम एंजॉय करूंगा, पापा कराएंगे इसको एंजॉय, मौसम गर्मी है वो बहुत, बाहर हवा नहीं चल रही। मैं तो यहाँ पर रेडी हो गया इस चक्कर में कि यार बाहर जाएंगे मौसम देखेंगे, तो सबा और मैं जा रहे हैं घूमने फिरने, तो धूप आ गई यहाँ पर, मैं तो समझा शायद मौसम अच्छा होगा, बारिश हो रही होगी, लेकिन यहाँ तो धूप है भाई। चलो चलो, ग्रीन शर्ट पे ग्रीन परफ्यूम, कैसी खुशबू बताओ उसकी, क्या नोट्स हो सकते हैं? मैं जब सऊदीया गई थी ना, मैंने मक्का में ये बहुत इस टाइप की खुशबू बहुत आती थी, ये मुझे वहाँ की लगती है उस टाइप। स्वीट स्वीट थी। हाँ। अरे जल्दी चलो ये सारे पैसे दे के हमें सिर्फ 5-6 नोट मिले, घूमते घूमते हम लोग चले गए थे करेंसी चेंज कराने, तो हमने इतने सारे नोट दिए उनको पाकिस्तानी, और हमें इतने से नोट मिले दुबई वाले। ओ हो हो, हवा चल रही है, बूंदाबांदी शुरू, क्या सोच रहे हैं? हमने इतने सारे पैसे दिए थे, वो यूं करके गिन रहे थे, तो पहले मैंने सोचा, मैंने कहा जब हमारे आएंगे हम भी गिनेंगे, तो मुझे याद आया वो तो गिनती के 10 नोट भी नहीं होंगे, हमें गिनने क्या जरूरत। तुम पहली बार आई हो करेंसी एक्सचेंज पे? सब पहली बार आई है करेंसी एक्सचेंज पे, और इसको मैं चलो दिखाता हूँ, क्योंकि मैं इसको सपने साथ रखता हूँ और मैं हर चीज को बताता हूँ एक वाइफ होने के नाते, ये कहता हूँ कि वाइफ आपकी अपनी ही है, तो चीजें बताने में नहीं, लोग सोचते ना कि यार इसको छुपाओ से चीजें, इसको ना बताओ, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि भाई मैं तो इसको सब बताता हूँ, और जो भी चीज़ होती है मैं चाहता हूँ कि इसको भी पता हो, तो आज मैं इसी को लिया है, मैंने बोला चलो तुम भी देखो कि भाई कैसे करेंसी हमें मिलती है, इसने बोला अरे भाई ये तो इतनी सी मिली है, चलो तो चले। अच्छा तुम एक बात बताओ यार, आज कोई प्लान नहीं है मेरा, तो तुम बताओ तुमने कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ घूमना है, मुझे बता दो, जो तुम बोलोगी वो होगा। अभी कोई प्लान नहीं है, कोई प्लान नहीं है, बस प्लान वही अटका हुआ कि वहीं जाके बस मैं घूमूंगी, नहीं वैसा भी अब नहीं है, मतलब फिर कुछ तो होगा, मेरी आज तुम्हारी बर्थडे है, कुछ तुमने कहीं दिल कर रहा हो, खत्म हो जाएगी अभी कुछ घंटे में, फिर बर्थडे भी खत्म 12 बजे, अभी आप मुझे कुछ खिला दें फिर रात का डिनर बाहर कर लेंगे। सही है, अभी भी कुछ खाते हैं और फिर रात का डिनर भी बाहर करते हैं, लेट्स गो।
मेन्यू देते हैं भाई, अब जो आपने ऑर्डर करना है ऑर्डर कर लो। एक बीफ बिहारी चटनी रोल और एक मलाई चटनी रोल। एक दो चलो चलो चलो, अरे रुक जाओ रुक जाओ। अरे भाई गाड़ी आ रही है। ओ यस, रक्षा ने मुझे सेव कर दिया, अब मैं निकल जाऊंगा। इनका टिश्यू तो हमारे पास ही रहेगा। अब कितने टिश्यू हो गए हमारे पास? पहुंच गए घर। इतना बोरिंग डे ना हमारा आज तक नहीं हो जितना सभा की बर्थडे पे हो गया है। अल्लाह की कसम मुझे नींद आ रही है। ये किसने बाहर रख दिया? फुस हो गए सारे भाई। अबे टैप, दिन रात टैप, छुट्टियां पड़ गई तो टैप टैप टैप। मॉम आप तो रेडी है? मॉम रात में डिनर पे जाना, चलेंगे सारे? हम तो जा रहे हैं। किधर? फूफा के घर जा रहे हैं। कौन कौन? मैं और भाभी और बाजी। तो मतलब फिर घर में कौन होगा? घर में बहुत सारे लोग हैं। फिर उनको ले जाऊंगा। हाँ उनको ले जाएंगे, टमाटर को, फरिया को, सब चले गए। अब आ रहा है तू बे, क्या फायदा आने का? रात रात को आता है फिर सुबह सोता है, बिल्कुल ही पागल है। सब जा रहे थे तो मेरे पास फोन आता है पहले कि हम लोग चले जाए, मैंने बोला ओके चले जाओ, मैं नहीं जा रहा। तू बड़ा किंग बना फिर रहा है, तेरे को कॉल करते हैं टमाटर। सभा की बर्थडे खत्म होने में सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे रह गए हैं। अबे अभी जो तुझे कॉल नहीं करूँ ना पूछने के लिए कि हम लोग जा रहे चल रहे, अबे तुझे बताना लाजमी है क्या? बस तू गाड़ी में, अब नहीं बताएंगे तेरे को। अब क्यों बताया तेरे को? तू को किंग विंग लगा हुआ क्या? नहीं, हम सिर्फ तेरे को बिठाएंगे पीछे और लेके जाएंगे, फिर तेरे को किंग निकालते। गाइस इसकी धुलाई नहीं होगी, थोड़ा किंग बनी है, इसकी धुलाई बनती है। अरे इधर 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 कहाँ घुसे? एमएस का कैप पहन के घूम रही है, दिखा दिखा। सब्सक्राइबर हुआ तो उसको दे देंगे। हाँ एक कैप रख लेते हैं। नहीं नहीं मेरा कैप संभाल के रखो भाई, अभी हमने ये लॉन्च मॉन्च नहीं किए, हमने लॉन्च नहीं किया। और फरिया जो है ना बस वो निकाल निकाल के पहन रही, क्योंकि इसने मेरे पास देख लिया, मेरे पास कम से कम 9-10 पड़े में कैप। इन फ्यूचर बोल रहा हूं कि ये कुंडी लगा के आना। ठीक है चल चल, तू लगाएगा चल। ठीक है, मम्मा की बर्थडे पे डिनर खाने जा रहे हो? ये तो फीडर पिएगा। ओ खुश हो रहे, कहां से बैठूं यार मैं? ताजडोन, अरे ताजडोन, अरे वाह भाई वाह, ताजडोन इतनी ताकत। गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, टूट गया। बाकी ये लोग सारे पीछे बैठेंगे। सारे टिश्यू निकाल दिए मेरे। भाई सबसे पहले इनको बिठा दिया हमने बेबी चेयर पे, ताकि तंग ना करें किसी को। फरिया, बासिल और सभा साथ, हम तीनों साथ। अबे टमाटर बहुत बड़ा मेन्यू है, समझ रहे? तो कम मंगाइयो बे, कहीं ज्यादा ना मंगा लियो। अबे बहुत महंगे महंगे खाने हैं, देख तो 4,000 3,000 आज तो हमारे साथ भी है खाने। थोड़ा सा ना देसी से हटकर खाने आए, लाइक इंग्लिश की तरफ। तुम दोनों अपना मेन्यू डिसाइड करो, हम तीनों अपना डिसाइड करते हैं। बासिल, फरिया, फरिया कैसी लग रही है? ये देख सबा, भैया, डमाडस और मैं। हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ पर हमारा स्टार्टर आ चुका है। अबे ये क्या कर रहा है भाई? अबे ठंडे कर रहा हूँ फ्राइज बासिल के, वहाँ रखने ना उसको, वहाँ बिठा दिया बंदा, यहाँ तो झपट्टा मार रहा है तो रख दिया यहाँ पर। अरे भाई, अरे ये कैसा बर्गर आ गया? ओ भाई ये कैसा बर्गर है? ये तो खुला हुआ है पूरा। ये किसने मंगाया था खुला हुआ बर्गर? अबे खुला हुआ बर्गर, अबे ये तो खुला हुआ था, बंद करके देना था ना, ये बंद हो गया लगता है, यही कुक होगा सब। अबे भाई ये तो किचन में होना था, यहाँ पर हो रहा है। अबे तू जलने जाइयो, लगता है डेढ़ जल जाएगा। अबे अबे तुम जलना जाना देख कर। ओ भाई लाइव कुकिंग हो रही है भाई। ये किसका है? ये किसका है? ये तुम्हारा मेरा, मतलब हम सब खाएंगे मिलकर। अबे कितने किस्म के सॉस दे दिए, 1, 2, 3, 4, 5, अरे 5 चीजें। तू वो खाएगा ये खाएगा 5? अबे खाया तो वो जाता है, सिर्फ ये नहीं खाया, ये नहीं खाया जाता। ये डला भाई इसमें, क्या बात है, एक चीज यहाँ बन रही है, एक चीज यहाँ बन रही है। इन द एंड भाई बासिल ने देखो सारा गंद कर दिया यार, ये सारा खाना दवासिल को दिया था, बासिल नीचे फेंक दिया, साइड में कर देता हूँ। यार खड़े होके वेट हो रहा है हमारा, आ गए हम लोग यार, बिल बिल दे रहे थे। चलो चलो चलो, इतना गंद मचा कर है, साफ किया सारा। भाई बर्थडे गर्ल, बर्थडे गर्ल, एक चीज और पूछनी थी, अब कोई प्लान तो नहीं है कुछ? आइसक्रीम खाया तो अंदर खाने से सारा, आइसक्रीम नहीं खाई ना तुम? खा लेते हाँ हाँ, आइसक्रीम में तुम लोग कहाँ मना करते हो? चलो चलो चलो। हाय हाय हाय, जब भी दुकान पे आओ कोई ना कोई सब्सक्राइबर्स आया होता है। आइसक्रीम आइसक्रीम, अरे छोटे कप भी हैं आज तो। रुक जाओ एक मिनट। ओ बासिल ला रहा सर, कौन सी ले रहे हो तुम लोग? ब्लूबेरी खा रहे हो? जब सीजन हो फालसे का तो फिर यही खाएंगे ना। ट्राई करते हो, डायरेक्ट कप में आएगा नहीं आएगा? ओए ओए डायरेक्ट कब में आया? बस बस बस, लिया भाई क्या लिया है? अरे खिलौने मिल गया। बासिल आप भी ना, अंदर खड़ी कर दी गाड़ी हमने। जो इसको लाइट ना बहुत ज्यादा ब्लिंक कर रही है, इसको दूर रखो, इसको इससे पता क्या इफेक्ट होगा इसकी आईज में। हाँ बंद कर दो लाइट, हाँ ये सही है। सो फाइनली भाई पहुंच गए घर। बड़ा ही मतलब अच्छा दिन था और मजे का दिन था, लेकिन दिल से बोरिंग था। जितना हो सका भाई उतना कोशिश किया, जैसे कि रात को हमने सभा को अच्छा सा सरप्राइज दिया, विश किया, और उसके बाद फिर हम लोग दिन में भी थोड़ा बहुत बाहर घूमने गए, फिर रात को भी बाहर घूमने गए। बोरिंग इसलिए था, हमने एक्सपेक्ट कुछ और किया था और हो कुछ और गया बर्थडे पे। तो इस वजह से
हमें लग रहा था, वरना बहुत अच्छा दिन था, अच्छा दिन था, मजा आया सबके साथ। आपको कोई नाराजगी नहीं है पक्का? नहीं नहीं, ऐसा तो तुम्हें फील नहीं हो रहा कि यार मैंने मास के लिए बहुत कुछ किया और इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ऐसा तो कभी फील नहीं हुआ? मैं मुझे ना अपनी बर्थडे पे वो नहीं होता, पर मुझे दूसरों के वो होता है कि यार मैं इसको इतना करूं और वो मुझे, मैं कहती हूँ बस मैं करूं किसी के लिए कुछ। आपको पता है शुरू से मेरी ऐसी आदत है, तो अपने लिए क्या, मैं छोटी बच्ची थोड़ी, हाँ है सिर्फ एक ही शौक है मेरा। थोड़ी बच्ची हो क्या? मुझे सिर्फ एक ही शौक है और क्या? वो है शॉपिंग, बस इसके अलावा मेरा कोई शौक नहीं है। तो दुबई जाके सिर्फ यही करना है क्या? नहीं दुबई जा रहे सही नहीं गए फिर तो भाई, लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा भाई। नहीं भाई नहीं 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 नहीं, ऐसे वैसे शॉप सबसे बेकार शौक है शॉपिंग वाले। तो भाई शॉपिंग पे जितना एक्सपेंस लगता है ना आपका, तो फिर फायदा, तो ऐसे शौक का क्या फायदा? जिनको गाड़ी का शौक होता है, हाँ। जितनी की गाड़ी आती है उतने पे तो आप पूरी, लेकिन वो गाड़ी थोड़ी कि रोज रोज ले रहा होता है। तो शॉपिंग भी बंदा रोज रोज नहीं कर रहा था। आप लोगों को पता होगा मैं लास्ट शॉपिंग कब करने गई थी, बताएं व्लॉग में कब करी थी। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, तुम तो सारी भाई इसके पास सारे प्रूफ होते हैं भाई। और ईद से पहले पहले फिर हम जो दुबई जाने का प्लान है और उसमें फिर शॉपिंग करेंगे। हाँ तो मतलब इसका जो एक शौक है ना वो पूरा करा देंगे। तो भाई भाई अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ख्याल रखो। बोले कि मासा बने बहुत किया था और माज ने, देखिए लड़के हमेशा, लड़के इतना सा भी कर लेना बहुत होता है क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि क्या करना है और किस हाँ, नहीं पता करना है किसी लड़के को। और लड़कियां अच्छा प्लान करती हैं बहुत, लड़कियां क्योंकि वो घर में ही बैठी हुई होती है, उनको पता होता है हाँ ये करना है। लड़कों के हजार काम होते हैं इस वजह से। वाह समझदार।